वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिमो। आज हम घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पटाटे बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम लिए हैं छिले हुए आलू, फिंगर स्टाइल में कट कर लिए हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे। 2 से 3 बार पानी में धोने से ये होता है कि आलू का जो स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है। अब हम बॉईल किया हुआ पानी में आलू को डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक ही। और पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें। जब ये 1 बॉईल आ जाए तो इसे निकाल लीजिए और इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। ये देखिए, हमारा 1 बॉईल आ चुका है। तो अब हम आलू को निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे। आलू धोने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो डालने के बाद इसे मिला लेंगे। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम रिफाइन ऑयल लिए हैं। रिफाइन ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें फिंगर पोटैटो डाल देंगे। हल्के हाथों से चलाते रहें और इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही तले कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। तलते तलते ये क्रिस्पी भी होने लगता है। देखिए, हमारा हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, ये क्रिस्पी भी हो गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालें, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालें, इन सबको मिला लें। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। इसको 2 से 3 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ये देखिए, हमारी आधी सब्जी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको डालकर 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। अब हम डालेंगे सॉस के अनुसार आप टोमेटो केचप डालें। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच टोमेटो केचप और 2 चम्मच हम डालेंगे चिल्ली सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस डाल दें और 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद हम अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। मेरे लाल मिर्च पाउडर जो है वो कलर को इम्प्रूव करता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, एकदम रेड कलर रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब हम इस पर डाल देंगे 1 ग्लास के करीबन पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च बनाने के लिए हम 1/2 कटोरी पानी लिए हैं और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। अब इस स्लरी को, इसका मतलब इस घोल को, अब हम ग्रेवी में डाल देंगे ताकि ये थिक हो जाए। स्लरी को डालने के बाद हम लगातार इसे चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए, हमारे ग्रेवी में अब थिकनेस आने लगा है, कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई पोटैटो। फ्राई पोटैटो डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। बस 1 से 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे और ये रेडी हो चुका है। हम इसे सर्व कर लेते हैं। चिल्ली पोटैटो रेडी हो गया।